और यहाँ पर हमारे बीच हमारे अभी तक रहा सिटी ऑडिटोरियम हॉल के बीच और यहाँ पर पॉइंट में काफी लीड बना कर रखा सूरत सिटी ने 23 पॉइंट और साथ में डिंडोली वॉरियर्स के 11 पॉइंट है और जितने भी प्लेयर्स बीच में मैच पर हैं उन सभी से निवेदन है कि वो सभी हट जाए क्योंकि सेकंड क्वार्टर में भी कुछ ही देर में अंडर 14 का मैच चालू होने वाला है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा मैच से बाहर आ जाए और हमारे जीकेसी स्टाफ के सभी लोगों से निवेदन है कि वो मैच के बाहर व्यवस्था बनाने में थोड़ा ध्यान दें। वकील जी से अनुरोध है कि वो हमारे जितने मेंबर्स हैं उनमें से कम 5 से 6 लोगों को सेकेंड मैच के बाहर उनको वहां पर बैठाएं ताकि कोई भी दूसरा प्लेयर अंदर ना आ पाए। कम से कम 5 से 6 लोग सेकेंड मैच के चारों तरफ एक बार घेरा बना लें ताकि सेकेंड कोर्ट में भी मैच चालू करवा दिया जाए अंडर 14 का। एक पॉइंट अर्जित करके जाते हुए डिंडोली वॉरियर्स अच्छा मैच देखने को मिलता हुआ लेकिन यहाँ पर लीड्स काफी बना के रखी है सूरत सिटी के प्लेयर्स ने। काफी लीड्स के कारण और थोड़ी सी गलती और एक पॉइंट वहां बैठे डिंडोली वॉरियर्स। बढ़िया मैच चलता हूँ यहाँ पर Thank you.
¡Vuelvo a entender!